और अब बात जो बाइडेन के विश्वासघात की। एक तरफ अमेरिका बिना युद्ध में शामिल हुए रूस से सीधा टक्कर ले रहा है, तो वहीं अमेरिका के सहयोगी उन्हें लगातार दगा दे रहे हैं। बाइडेन के साथ अब तक किस देश ने कितना विश्वासघात किया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। जंगल में अमेरिका किसका सगा, किसके साथ दगा। तेल के खेल में बाइडेन बेनकाब हो गए। अमेरिका और अमेरिका की नीतियों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इस वक्त ये अंदाजा लगाना हो गया है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जीत किसकी होगी, क्योंकि दुनिया के सामने अमेरिका जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है उसे दुनिया के सामने कभी बयान नहीं करता। महाजंग में बाइडेन पहले दिन से यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। 24 फरवरी को जब पहली बार रूसी फाइटर विमानों ने यूक्रेन पर मिसाइलों का हमला किया, उस दिन से लेकर आज तक बाइडेन यूक्रेन की लगातार मदद करते आ रहे हैं। जो जैवलिन हथियार इन दोनों रूसी टैंकों पर काल बनकर टूट रहे हैं, वो जैवलिन मिसाइलें खुद अमेरिका ने यूक्रेन को मुहैया कराई है, और इन्हीं जैवलिन मिसाइलों से यूक्रेन की फौज रूसी टैंकों का चुन चुन कर शिकार कर रही है। दुनिया के सामने बाइडेन की दिखाना चाहते हैं कि वो जंग में यूक्रेन के साथ हैं, वो किसी भी कीमत पर रूस को इस जंग में जीतते हुए नहीं देख सकते, और इसके लिए उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। But we're working closely with Europe and our partners to develop a long-term strategy to reduce their dependence on Russian energy as well. Our teams are actively discussing how to make this happen, and today we remain united. We remain united in our purpose to keep pressure mounting on Putin and his war machine. Biden ne यूरोपीय देशों पर दबाव डाला, वो रूस से तेल और गैस खरीदना फौरन बंद कर दे, क्योंकि तेल और गैस से रूस को जो आमदनी हो रही है उसी का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने बाइडेन की बात मानकर रूस से गैस खरीदना बंद भी कर दिया, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे जानकर यूरोप के देश हक्के बक्के हैं। पता चला है कि यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद खुद अमेरिका ने ही रूस से तेल का इम्पोर्ट बढ़ा दिया है। अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट सिर्फ एक हफ्ते में ही 43% बढ़ा दिया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हर रोज 1,00,000 बैरल कच्चा तेल ज्यादा खरीद रहा है। ये कुल खरीद नहीं है, यानी पहले जितना तेल खरीदा जा रहा था उसमें 1,00,000 बैरल और जोड़ दिया गया है। मतलब जो अमेरिका कल तक दूसरों को रूस से तेल नहीं खरीदने की नसीहत दे रहा था, वो अब खुद भर भर कर रूस से तेल खरीद रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस का कच्चा तेल खरीद कर अमेरिका दुनिया के तेल के बाजार पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। मतलब ये कि पहले रूस से कच्चा तेल खरीदा जाए और फिर उसी तेल को ऊंची कीमतों पर यूरोप के देशों को बेच दिया जाए। अमेरिका पर हुए इस खुलासे से यूरोप के देश खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, और इसे लेकर अब खुद बाइडेन की जबरदस्त वसीहत हो रही है। तो अब तक इस महायुद्ध में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं, और मारियोपोल का जिक्र करें तो तबाही के बीच एक और तस्वीर यहां से नजर आई है। एक अलग ही तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वीडियो में रूस की सेना आम लोगों को बाहर निकाल रही है। रूस की सेना लोगों को जबरन अस्पताल से बाहर करती हुई नजर आ रही है। मारियोपोल वो शहर जहां महातबाही की तस्वीरें सबसे ज्यादा यहां पर सामने आ चुकी है, जो कि बेहद दर्दनाक और खौफनाक दहशत से भरी रही। और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल से बाहर रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है इस वीडियो के जरिए। रूस की सेना जो लगातार रिहायशी इलाकों को, इमारतों को, स्कूलों को, अस्पतालों को निशाना बना रही है, जिनमें मारियोपोल का जिक्र करें तो महातबाही की सबसे बड़ी तस्वीरें बर्बादी के तौर पर चप्पे चप्पे से अब तक सामने आ चुकी है। और इस बीच यह वीडियो भी सामने आया जहां पर रूसी सेना लोगों को बाहर करती हुई दिखाई दी।
तो मारियोपोल की तबाही बर्बादी की तस्वीरें रूह कपा रही है, जैसे पूरे शहर को ही रौंद दिया गया हो, पूरा शहर यहां पर ध्वस्त हो गया हो। और रूस के एक और मारियोपोल की अस्पताल में किस तरह से हमले की तस्वीर नजर आई वो आपको बताते हैं। अस्पताल पर रूस की बमबारी यहां पर दिखाई दी। मारियोपोल जो कि तबाही का कब्रगाह तक बन चुका है, 50 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत इसमें हो चुकी है। इसके अलावा अकेले मारियोपोल का जिक्र करें तो 210 बच्चों की बेवजह यहां पर जान चली गई। 5000 से ज्यादा लोगों को अब तक मारियोपोल में अपनी जान रूसी हमले में गवानी पड़ चुकी है। और साथ ही 90% इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यूं ही नहीं कहा जा रहा कि मारियोपोल पूरी तरह से महातबाही की तरफ दिखाई दे रहा है, मारियोपोल तबाही की तरफ बढ़ नहीं रहा है, बल्कि मारियोपोल तबाह किस तरह से हो चुका है। 90% इमारतों का खंडहर में तब्दील हो जाना यह बताने के लिए काफी है कि मारियोपोल अब दोबारा कब बसेगा, किस तरह की तस्वीरें न जाने कितनी पीढ़ियों को यहां पर बसाने में नजर आएगी, वह भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन कोई दो राय नहीं कि मारियोपोल इस वक्त दर्द से गुजर रहा है। और आज शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बेहद खास बैठक होने वाली है। इस बैठक का मकसद रूस को UNHRC से बाहर करना है। रूस पर दरअसल आरोप है कि यूक्रेन के बूचा में उसकी सेना ने आम लोगों को निशाना बनाया, उन्हें मौत के घाट उतारा। पुतिन पर आरोप है कि उनके ऑर्डर से बूचा में सेना ने भयंकर नरसंहार को अंजाम दिया। और इस नरसंहार का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। Яких вбивали пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали в колодці. Лайн ме хада кар голі мар. Канпати пар बंदूक से धाएं धाएं। रेप, नरसंहार, बुचा का ब्लैक चैप्टर। क्या चेचन लड़ाके बन गए किलर मशीन? किस कमांडर ने दिया मर्डर का फरमान? बेसमेंट में किसने बनाया टॉर्चर रूम? ऊंचा नरसंहार का जिम्मेदार कौन? बुचा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर रखा है, उसे क्या चेचन के हैवान हंटर्स ने अंजाम दिया है? बुचा के खौफनाक मंजर को देखकर यहां पसरे मौत के सन्नाटे ने दुनिया को ISIS के किलर ब्रिगेड की याद दिला दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फरमान पर ही चेचन लड़ाकों ने बुचा में नरसंहार को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि बुचा के खूनी तांडव की पटकथा रमजान कादिरोव ने लिखी और उसे कुछ इस तरह चेचन लड़ाकों ने अंजाम तक पहुंचाया। यूक्रेन इंटेलिजेंस के मुताबिक बुचा में नरसंहार का ऑर्डर पुतिन की तरफ से आया। नरसंहार का ब्लूप्रिंट चेचन के रमजान कादिरोव ने तैयार किया। प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग ओमुर बेकोव को मिली। आजाद बेग की अगुवाई में ही रूसी सेना के साथ मिल चेचन लड़ाकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बुचा को रूसी सेना ने जब खाली किया तो शहर की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कार में लाश मिली, सड़क पर शव बिखरे हुए थे,
गलियां लाशों से भरी हुई थी। कटर में आम नागरिकों के शव, बुचा में घरों में लाश का अंबार लगा था। बुचा के बेसमेंट से जो तस्वीरें बाहर आई वो क्रूरता की कहानी बयान कर रही थी। मृत लोगों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। यूक्रेन का दावा है बुचा में कई महिलाओं के बिना कपड़ों के शव मिले हैं, जिससे उनके साथ हैवानियत की आशंका भी जताई जा रही है। Зв'язували руки за спиною, бували пострілом в потилицю або в око, бували просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок і дівчат. І це тільки почалось розслідування. Ще зібрані не всі свідчення, ще виявлені не всі поховання, ще оглянуті не всі підвали. Підвали, в яких російські військові катували. यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि बुचा में हुई बर्बरता को रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग की अगुवाई में ही अंजाम दिया गया। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक आजाद बेग ओमुर बेकोव रूस की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल। आजाद बेग 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने ही बुचा पर कब्जा जमाया था। बुचा यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 फरवरी को जब रूस की सेना बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी तो कीव से पहले रूसी सेना का काफिला बुचा पहुंचा था, लेकिन बुचा में यूक्रेन की सेना ने कड़ी टक्कर दी। रेड आर्मी के तोप बख्तरबंद गाड़ियों को बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। बैटल ऑफ बुचा के शुरुआती दिनों में पुतिन की सेना को कितनी करारी शिकस्त मिली थी उसकी गवाही बुचा में तबाह हुए रूसी टैंक आज भी दे रहे हैं। कितने हैवी यहाँ पर रूस के टैंक हैं, और ये देखिए यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जब ये बर्बाद किए गए, जब इन पर हमला किया गया टैंकों पर, तो उन सैनिकों को भागने का भी मौका मिला और बहुत सारी कैजुअल्टी यहाँ पर आसपास हुई थी। तो अगर मेरे पीछे देखिए आप जरा कमलदेव जी दिखाइए, टैंक नंबर वन, ये टैंक नंबर वन है जिसको यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। अब कमलदेव जी दूसरा टैंक दिखाइए, ये दूसरा टैंक है जिसको बर्बाद किया है यूक्रेन की फोर्स ने। उसके बाद तीसरा टैंक है, जरा तीसरे टैंक की तस्वीर दिखाइए, फिर चौथा टैंक है, और उसके बाद पांचवां टैंक, फिर छठा टैंक, यानी लगभग आधा दर्जन टैंक यहां पर तबाह किए गए हैं। रूस की फोर्सेस के टैंकों को यूक्रेन ने तबाह किया है। बुचा की सड़कों पर बर्बाद हुए ये रूस के टैंक तस्वीरें बता रही हैं यहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कितनी कड़ी टक्कर हुई थी। जंग के शुरुआती दिनों में यहां रूस का कीव पर कब्जे का इरादा कैसे बुचा के बैटल ग्राउंड में धरा का धरा रह गया, इसे अरुण सिंह की बुचा से भेजी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ लीजिए। जितने वीवी साइन के टैंक हैं वो रूस के टैंक हैं, यूक्रेन की सेना बता रही है। तो एक टैंक यहां पर और भी बर्बाद हुआ है, ये जो तस्वीर देखिए आप, वी साइन। कमलदेव जी मैं वी साइन जरा दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, आप यहीं रहिए, यहीं से क्लोज करिएगा, मैं जा रहा हूं वी साइन देखने के लिए। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये वी साइन कमलदेव जी, ये वी साइन दिखाई, यानी ये रूस के टैंक हैं। और ये बात यूक्रेन की सेना ने हमें बताई है कि ये सारे टैंक रूस के टैंक हैं। और ये देखिए एक और टैंक है, ये देखिए जली हुई बैटरियां हैं यहाँ पर, और ये देखिए नेविगेशन सिस्टम जो होता है ये पूरी तरह से जल गया है, एक लैपटॉप के शक्ल का है, ये पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पर यूक्रेन की सेना कुछ उनसे सामान लेके जा रही है। कीव की ओर बढ़ने के लिए बुचा पहुंची रूस की सेना को यूक्रेनी सेना ने नाकों चने चबवा दिए। अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बुचा की लड़ाई में पस्त होती रूस की सेना की मदद का जिम्मा चेचन के क्रूर लड़ाकों ने संभाला। दावा किया जा रहा है कि चेचन के लड़ाकों ने अपने कमांडर रमजान कादिरोव का फरमान मानते हुए बुचा में खूनी लड़ाई शुरू कर दी। युद्ध के शुरुआती दिनों में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की पुतिन के नाम की चिट्ठी पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। कादिरोव ने लिखा था कि कॉमरेड प्रेसिडेंट, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं आपका एक पैदल सिपाही हूं,
मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड और हमारे अन्य सैनिक यूक्रेन में इस तरह मर रहे हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत करीबी माना जाता है। कादिरोव को टॉर्चर के निर्दयी और खूंखार तरीकों के लिए भी जाना जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बुचा में जो कुछ हुआ उसका क्रूर प्लान रमजान कादिरोव ने ही तैयार किया। 26 फरवरी को बुचा पर रूस का कब्जा हो गया और दावे के मुताबिक 10 मार्च से ही बुचा में कब्र बनने शुरू हो गए। 40 दिनों तक बुचा के पूरे इलाके में चेचन के लड़ाकों का कब्जा था। चेचन फोर्स के लड़ाके खूंखार और खतरनाक कार्रवाई के लिए बदनाम है। 30 मार्च को बुचा को रूसी सैनिकों ने पूरी तरह खाली कर दिया था। 24 फरवरी को हमले के बाद कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना सबसे पहले बुचा पहुंची थी। बुचा से कुछ किलोमीटर दूर होस्टोमेल हवाई अड्डे से उतरकर वो बख्तरबंद वाहनों से शहर में दाखिल हुए थे। रूस की सेनाएं बुचा और इरपिन से वापस जा चुकी हैं, लेकिन कीव पर उनके कब्जे का प्लान कहां ध्वस्त कर दिया गया, कहां पुतिन के प्लान को यूक्रेन की सेना ने निस्तनाबूद कर दिया, वो बानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। और वो जगह आपको न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है। देखिए, ये टैंक है, ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। ये जो रास्ता है, मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं, ये रास्ता आता था कीव की तरफ, बुचा से कीव की तरफ रास्ता जाता था और इधर से ही यूक्रेन के फोर्सेज ने रोकने की कोशिश की जब रूस की फोर्सेज बढ़ रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो मंजर आप देख रहे हैं, चारों तरफ एक तरह से टैंकों की बर्बादी का आलम आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए वो कीव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ यूक्रेनी सेना ने उनका कड़ा मुकाबला किया और रूसी सैनिकों को बुचा में ही रोक दिया। तब से रूसी सैनिकों ने बुचा को ही अपना ठिकाना बना लिया और इसे कब्जे में लेकर कथित नरसंहार किया। पूरे 40 दिन बाद यूक्रेनी सैनिक उस शहर में पहुंचे और उसके बाद पूरी दुनिया को ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखने को मिली।